हाँ जी सुन जो, आज के 4 साल पहली कुचामन खेड़ा की एक मीटिंग हुई बी का मायना मैं भी मेंबर हो, लतीफ जी भी, हाँ मैनुद्दीन जी भी, हाँ इकबाल जी सुड़ंग किया। जब माके टे एक नियम लागे हो साहब, बारात 8 बजे आनी चाहिए जे, बारात आई माके घुरिया गई, बारात आई लेट, बेटे हम सारा गांव का किया बेटा मीटिंग में जो नियम लागे ना काई हो यार, आज आप पहली बार हुई है जावा जो, आज आएगी तो आएगी आई ना देगा। देखो 32 में ब्याह हुए ना, 32 में जब 8 बजे बारात भूगा, 8 बजे 1 मिनट हुआ तो बींद को बाप बटे खड़े हुए, माए बाप गलती होगी और 100 रुपया दंड, 100 रुपया दंड। अब है ना वो दमड़ी वालो दंड, वो 100 रुपया दंड अब चाली। क्या बारात लेट हुए, मैं एक ही बात क्यों सबने मंजूर हुआ तो मारी राय है, क्या साहब बारात लेट हुआ तो छोरी को बाप या छोरी को दादो, जटन लेट हुए 1 मिनट लेट हो गयो तो काय वो जाजम पर खड़े हो और बेटा माफी मांग लो के कहे 11 रुपया हमारी तरफ, वो दंड साफ गलती होगी, चोराड़ो देसी चोरा को बाप देवे जर तो लब्बे करो। नहीं आओ सी यार की को नहीं, 5 मिनट ही तो लेट हुई है, 10:05 हुई है, बा 5 की 15 हुई, 15 की 25 हुई, बात राखो ठाई। क्या 10 बजे भरा, 10:01 पर लेट हुई ना तो बाप खड़े हो लो और 11 रुपया दंड का बोलो मंजूर, दंड हुए 1 रुपया कोई हुए वो हुए जाजिम पर, न तो कोई ना जूतिया रखानी है माने न की और करनो, माफी की बात करो, एक बार माफी मांग ली ने तो पुणी 10 बजे बराता वाली। अरे हमारा कुचामण में वेड़ी है, माँ का गोरिया में वेड़ी है कि यार काई अरे यार जावा देते छरे छरे करो यार काई है। हाँ फिर बात का मायना दंड लागी है, हाँ बाद में लागी है तो ई बात ना करो, लियो लियो दंड करो जी, दंड करो टाइम को। अस्सलाम वालेकुम, एक मारो एक प्रस्ताव है कि जहाँ लड़की की शादी हो रही है, निकाह चाह रही है, मार हो गयो सब खत्म हो गयो और तुरंत पब्लिक बैठ जावे आदमी के, चलो बेटो साहब खानो तैयार है, जरा आदमी तो आपा मर्द लोग आज खाना में बैठ जावा और 3 बजे 2:30 बजे नंबर है वो लोग आए को खेबा को मतलब है कि पहली फर्स्ट लेडीज कर दें आपा, तो भाई छोटा छोटा बच्चा गोद का माने रे वे कितनी तकलीफ आवे जी को अंदाजो थे नहीं लगा सको आप आदमी अबा खड़े चल रहे पर भाई लेडीज खड़े खावे 4 बजे नंबर आवे 3:30 बजे नंबर आवे 2:30 बजे नंबर आवे, तो यार भाई लोग 5-5 घंटा एक एक जगह बैठी रहे हुए भी एक सोल्यूशन रखो थे कि लेडीज फर्स्ट कर दो, आज किशनगढ़ खेड़ा का माने लेडीज फर्स्ट है और मजेदार काम हो रही है बटे। देखो अगर बारात टाइम पर आई ना तो मारा ख्याल हुआ समस्या भी गुने इंशाल्लाह, अगर बड़ा टाइम पर आए ना तो लुगाया को टाइम हो जाए, वो पहली खुलाओ तो भी कोई भेजा बात को नहीं। भाई जी क्या लुगाया को खानो, लुगाया को खानो मौको एक ही टाइम है, मायरो पैर ताई विषम टूनी की खातिर लुगाया ने मतूडी को भी टाइम तो लुगाया को पहली खानो हो सके भाई, मायरो हुगो मायरो निकाह हुई मायरो होते हैं लुगाया को खानो चालू कर दियो। बारात आमद का सही समय इस प्रकार होगा, 1 नवंबर से 31 मार्च तक सर्दी सुबह 10 बजे या शाम को 4 बजे बारात पहुंचनी होगी, 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक गर्मी में सुबह 9 बजे तक एवं शाम को 5 बजे हर हाल में पहुंचना होगा। बारात आमद से मुराद यह है कि दूल्हा की कम से कम एक गाड़ी पहुंचकर तय टाइम पर जाजम पर आकर सलाम कर लेवे, अन्यथा वक्त मुकरर से बारात लेट आती है तो दूल्हे के वारिसान को 100 रुपए नगद कौम के फंड में देकर रसीद कटानी होगी। ठीक साहब, भाई लोगों थोड़ा पानी पिला दो यहाँ जाजम पर। अस्सलाम वालेकुम, देखो भाई मैं शादी शादी का मसला पर कई प्रस्ताव आया है और एक प्रस्ताव मैं भी रख बचा हूँ कि कुछ कुछ जगह, सब जगह को नहीं आबाद लेकिन कुछ कुछ जगह यहाँ देखिए, यहाँ स्टेज के ऊपर है दूल्हा और दुल्हन की नुमाइश हो रही है, तो भी पर भी हमारी राय आया कि पाबंदी लगनी चाहिए कि भाई उदी वाला काम है ना निकाह में होना नहीं चाहिए, हालांकि मैं कौन क्यों 100% जगह हुआ है लेकिन कुछ कुछ जगह और मैं देख क्या, और कानून है ना गरीब के लिए नहीं बने, गरीब और अमीर दोनों के लिए बने कि पीछे वाला छूट जावे और गरीब पकड़ी जावे, ये वास्ता दूल्हा दुल्हन की ना स्टेज से नुमाइश नहीं होनी चाहिए, और अगर आ हो वे और कोई देख के तो बीको भी कायों बाबी वे तय कर ले। देखो
ये सलीम साहब वाला जो मुद्दा है ना, इसके ऊपर आप सभी लोग सुझाव देवें। और इसके पहले जो एक मुद्दा बहुत ज्यादा सभी लोगों के नजर चढ़ा हुआ है वो ये है कि दूल्हे की निकाह होने के बाद में जो स्प्रे छोड़ते हैं वो सबको बुरा लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो वो स्प्रे, उसके अंदर एक तो एल्कोहल होता है, निकाह अपन सुन्नत काम कर रहे हैं, दूसरी बात उसमें कपड़े नापाक भी हो जाते हैं, तो वो कोई खास बड़ा मसला नहीं है, सुन्नत फर्ज नहीं है, तो उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए। तो मैं वो लाइन लिख दूं क्या? पटाखा, वो कागजों वाला स्प्रे, वो झाग वाला स्प्रे, सब कुछ बंद है। और साइड में जाके भी नहीं है, कोई वहां जाके करता है वो भी नहीं है, उस गांव में ही नहीं है। बकाये औरता ने खानो खिला दिया ना, आप पहले पहले आदमी ने खानो खिला दिया ना, तो आदमी औरता ने घरे ले जा भाई, खातर भी इंतजार करे बेटा रहे। ये आज तक आई है औरता फटोफट खा ले आपकी, बीके बाद में आदमी फटोफट खाना खाया आपका घरे। हाँ, ये वास्ता औरता को खानो पहली करा, सब ने मंजूर है। अच्छा एक बात और, अब एक इम कागज मत कुंडली कड़ी, पर मैं मारी तरफ क्यों के ओ एक और डीजे बाजे करे, डीजे तो ओ डीजे जो को मायरा मैन फायरा मैन टोटल हर चीज का मायना बंद कर दिया डीजे, रुक जा। ओ तो डीजे जो को सब बंद कर दिया सा, मायरा आराम कटे ही नहीं बजा वाला। हाँ वाह, हाँ बैंड बाजा जो भी डीजे बजे है लो। अस्सलाम वालेकुम। देखो मैं जो बारात लेट आवे तो 100 रुपया जो बताया है माफी के साथ 100 रुपया है कि केवल 100 रुपया है? 100 रुपया जो देना है माफी के साथ है कि 100 रुपया दंड देर छोड़ना है? माफी के साथ है ना? नहीं नहीं लिखो यार, माफी के साथ है कोनी 100 रुपया। सवाल आ रही है, ला रहा हूँ सवाल आ रही है। अरे नहीं नहीं का 5100 का। अरे एक मिनट एक मिनट, 100 रुपया माफी के साथ ही है ना? हाँ माफी के साथ है। और एक मुश्ताक जी ब्याह जी किया है कि भाई डीजे बंद होना चाहिए, वो जो फ्लोर वलोर लागे डीजे लागे वो तो मेरे को भी कहना है बंद होना चाहिए, लेकिन आजकल का छोटा छोटा बच्चा है, मैं मानने को नहीं, घर का माए छोटो स्पीकर लगा नाचे तो कोई तकलीफ है की? कौन माने टाबर छोटा? आज का छोरा कौन माने? हमारी राय है अगर घर का माए ना कोई छोटो स्पीकर लगावे, कोई फ्लोर वलोर कौन लगावे डीजे को, तो डीजे का मायने स्पीकर को नाम भी पूछ बचाऊ मैं, बच्चा की बात अजी बच्चा की फरियाद रख बचाऊ मैं, बच्चा की बात बताओ। अस्सलाम वालेकुम। बारह बने एक बार खड़ा हुआ भाई, वो मोहसिन भाई बात की है सदर साहब, क्यों डीजे फीजे ने इजाजत ली हूँ दांगन डीजे फीजे अलग है। देखो नौजवान छोरा मानने को नहीं, भी बाप के पे निकलो हुए जो आपके घर तक रखो, आपने समटू ने अहमद भी कौन लिया तो बट्टा बंद कर दिया, पर घर बचा हुआ नहीं छोरा फेंक रहे, सुबह बराता में गुंजा रात में रूस रूस भागे, जब पचबे को कहा इलाज करा जो आपके घर तक खुली है अहमद पाबंदी लगो। देखो अस्सलाम वालेकुम साहब, आपने कहना तो कहीं मुश्किल है, एक मिनट आपड़ा खेड़ा में कहीं कदा कदा भाजा कर दे दिए माँ का रिश्ता दो चार एक मारोड़ा मारोड़ा का नहीं है, जो मोबाइल में देव कर नचे एक ढचे एक ढचे एक नचे रातों नचे मुझे कोई ब्याह हो यार। एक बात डीजे तो कट बाजा हो नहीं आपड़ा खेड़ा में, और कोई बाजा दिन अल्लाह माफ करे चलार खुलने रहा वो बोल। अस्सलाम वालेकुम। बे डीजे बंद कर दो पर हल हल्दिया की रस्म और चले, वो नहीं आएगी है अरबान में ने नाश्ता हो रही है जो बे सबड़ा ने बंद ही कह रहा है। और डीजे देखो खेड़ा पर छोड़ दियो आप के भाई जी के जैसे जी को बजा ले छोरा कौन माने मुश्ताक जी फिंगरे माँ की राय है भाई मैं
मानने को नहीं छोरा, मानने को नहीं छोरा, फिंगरे भागे छोरा, फिंगरे छोरा। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि बाहर समाज का सारा आदमी कह रही है डीजे बंद है, वो ये बंद ही है। अब ताने एक बात और पूछू मैं आप लोग, गलत ही पूछो, बंद है ना तो बंद कर दिया। अब बात पूछू मैं अलग से, आज के 4-5 साल पहले कोई मीटिंग हुई और मकराना के मान पहले भी आने की पानी मंगाऊंगी, पहली मीटिंग हुई जिगमा ने भी डीजे बंद कर दिया बिल्कुल पाबंदी के साथ कमान है बाकस साल गान तो बंद यार पद चालू कर दिया। माँ के तो ब्याह मास्त तक डीजे बजो ना माँ का करो बजाए में कि मैं भी कौम की मैं बात रहा कि पाबंदी माँ गाया वार ब्याह हो लड़का को ब्याह हो जना तोड़ सी गाय ना लुगाया नाचवा लगी नाचवा लगी तो मार लो भगाएंगे ना लुगाया ना भगा दिया भगड़ को ब्याह को ना रोड कुंडो इन्हें रात का गीत का माने भगा दिया। मैं तो भी कौम की पाबंदी में चाले चाल रही हैं लागा लगाई हमें मारवाड़ी मालू बोला आडवाड़ नाम बोला लेकिन कौम की वजह हर बात पर पाबंदी करा मैं तो क्या मतलब कहा जब आप पाबंदी लगा रही हो डीजे की तो ये पाबंदी ने मजबूत रखियो तड़के कोई आम कोई पिछड़ा आदमी है या कोई गरीब आदमी है वो शोक सुख बजा लियो भी सामने को बोल भाग हिम्मत को नहीं आप लाना कि यार का बोल सका बार समाज का लपेट लिया बात ने तो बात सो समझ डीजे बंद कर दिया। देखो सर तुलना को मायने अब बार अतुल्ला जी हाजी साहब की है जेको 10 लाख ब्याह में लगाए ने वो 51,000 रुपए दे दे लुआ रानो आदमी नियम तोड़ गिड्डी गा लेगी है मैं भी ब्याह को चश्म देत गवाऊं तो 51,000 मत रखो नहीं नहीं बाप रुपया की तुलना को नहीं कौम भी का जिम भाई नहीं जावली और रखो कौम कौन जावे कौम जिम भाई नहीं जावे भी के मैं तो कौम जिम भाई नहीं जानी अली कोई के मायने और ई डीजे के बाबा ताल दूसरा सवाल और है एक मिनट बात पूरी कौन की हाल में बिक के बाद में कहीं आपा शादी करा आपा शादी करा ने मारी बात तो यहाँ बाद मौको मिली सबने इजाजत ली आपा बात तो के बाद यो बिक के बाद में दूसरो मुद्दो है कि ब्याह का मायने वीडियो शूटिंग का चले देखो भी वही नियम लिख दीजो नहीं शूटिंग लिया हुआ पचकाए कह रो एक हल्दी की रस्म हो रहे सबड़ा लिख जाए क्या मायने हाँ लिखो सबड़ा लिखिए जी हेलो सलाम वालेकुम। अरे भाई कोई औरता नहीं बुलावा स्वागत का वास्ता और ही का वास्ता भी कोई समाधान कर जो औरता ने बुलावा स्वागत के वास्ते गेट के ऊपर रखे शादी ब्याह में एक ऊपर भी एक समाधान करे एक भी मार रहा है इजाजत है। हेलो देखो जी कोई चीज को मुद्दों ले चाल रही हो सोच समझ और फैसलो कर दियो 51 कर दिया 71 कर दिया कौम तोड़ वाली बात मत कर दीजियो आज छोटी बात को नहीं है सोच जाए गहरा सोच समझ और कोई चीज ने कर दियो काल ने टाबर मान ला कोनी को जीत कर लिया 51 कौन देला एक साथ 50 आदमी हो जाओला सोच समझ कर जो अत्ता थे बड़ा बुर्जुग बेटो मैं तो युवा लड़का मैं थाकर ला रहा थे माऊ बहुत दानिशमंद हो होशियार आदमी हो बड़ा बुर्जुग हो मा बाप आपके उम्र का तो सोच समझ डिसीजन कर जो एक 51 कर दियो अभी मैं 71 कर दियो कौम ने तोड़ बड़ो काम मत करो ईहान को काम करो जो को समाज हित में हो रही है अजी 51,000 दे कौन ने काल ने दो भेड़ा कर ले वो साथ में बंद कर दो साले डीजे बंद करना है तो लेकिन जो जुर्माना फुरमाना है भाई सोच समझ करो आदमी ना खौफ होना चाहिए कौम को जुर्माना की कौन है अगर खौफ नहीं है तो पीछे फेंक दे खौफ नहीं है हमेशा डरी यार को काम करो समाज हित के लिए यारो अस्सलाम वालेकुम। और एक गीत गावे लुगया घर घर बुलावा आपा बर्तन बाटा गीत गुआ बे सब बंद हो वाला डीजे पी के बाद आवे शुरुआत गीता होवे नहीं नहीं जर मानना मैं तो सब बंद है गीत बंद है गीत भी गावे देखो पान का भी अरे एक बात आज सारा बंद करो ये तो कौम ने सारे ने बंद करो बच्चे पैदा करो बंद करते हो सारी बात अरे कोई बंद को नहीं हुआ है शांति रखो शांति 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 चुप रहो अरे चुप रहो अलग
अरे उमर जी, ओ उमर जी, अरे उमर जी, देखो बात चल रही है बात डीजे की, तो डीजे की बात फिर बात करो, भाई चूड़े की बाकी पे सारी बात, तो बात की बात हुई हाल हाल कोई मुद्दा है कोई बयान का? अरे तो डीजे की बात हो ताको विचार रख दो थे खाई क्यों थे सारी हाल बात आई कुड़ क्यों बात की 3 घंटा कट हो गया सब यार खाई हड़ा लिए चुप यार 3 घंटा कट हो गया। अरे भाई डीजे बंद कौन कर लो सब बता दी भाई सब बैठे आप अस्सलाम वालेकुम। देखो भाई या तो थे बोल लो फिर मैं चुप हो जाऊं। देखो बात यान की है कि आप कोई काम जबरदस्ती मत करो, अल्लाह जी ने हिदायत दे ने अल्लाह रब ताला जी ने हिदायत देसी ने वो अपने आप बंद कर दी, आप जबरदस्ती वालों काम कर रहे ना तो फितनाबाजी फैले ली कौम में। अरे नहीं यार मारी बात सुनो, देखो अरे जब अल्लाह ताला हिदायत दे दे तो कोई कोई माई को लान भी रोक सके भी ना, काई बात कर दे यार, जब हिदायत नहीं आई तो वो कर गुना, कोई बात तो समझो जबरदस्ती मत करो थे, हिदायत जबरदस्ती थोप रही है आपा, 5 आदमी मना कर रही है 10 आदमी बोल रही है, मारी बात को मतलब समझो थे, कौम में फितो मत फैलाओ, सबकी सारा की सहमति हुआ ने जल्दी काम ना करो, जबरदस्ती जबरदस्ती वालों काम मत करो कौम का मायने, मैं कौन कह रही हूँ नहीं आ कौन कह रही हूँ मैं इको कोई सोल्यूशन निकालो आपा, ए 51,000-11,000 दंड का ले हो, पागल आदमी है क्या आपा, कौम का आदमी ने दंड जुर्मानो कर रही आपा, नहीं गलत बात है। आज ही सदर साहब आ किया है कि डीजे बजायो भी पर 11,000 रुपया जुर्माना, ब्याह में खर्चो हो 15 लाख 11,000 जोड़ो इन्हें दियो डीजे बजाओ वो तो हो गयो, मारी बात सुनो। अरे 1 मिनट रुको जी, को आदमी बाकी है ना बार बो चीज की जेब में दाम गाले डरा के तो ये तेली है, मारी बात सुनो 11,000 दे जुर्मानो लगाओ, अरे खाई यार छोरा ब्याह है 11,000 और लगे सी टाबर टोली गे रहे और रस्तो इन के पास सुई मुंह है ना हाथी निकले वो निकल गए, वो निकल गए 11,000 रुपया दियो सदर की इजाजत होगी ऐसा डीजे बजाओ अपना गाई यार 11,000 रुपया। अब सुनो जे ब्याह में तेलिया की ओरता 25,000 का मेकअप करे ने बट 11,000 मायने कौन रखे सदर साहब? अरे 1 मिनट हट यार सदर साहब, डीजे बजाशी ने जी को तो 11,000 था ने के जेब में घाल लो रे, जहाँ कोरोना का मायने कहता ना एसडीएम आवलो के ऊपर ला जेब में 25,000 है आवलो रसीद कटा दिया 25,000 की और रस्तो निकले। और सुनो मारी बात, जे अगर डीजे पर थे 11,000 जुर्माना लगाओ थोड़ी देर बाद बहन आवेली थोड़ी देर बाद मायरो फेरा ओलो थोड़ी देर बाद ओलो अबार बेन लागे और रजिस्टर में लिखी गयो ने बा बांध दे गणे ते कुचामण घेड़ाला ही बंद कर दियो के मैं ठीक बैठे हूं। देखो साहब एक नेम होया करे ने एक नेम या बो जो नेम करिया इकी पाबंदी करी, अब कोई के भाई 1,00,000 51,000 तो 1,00,000 क्या नहीं रिसी पे तो दे वाले तो रियो सवाल थी कि शर्म या नहीं उसी ने शर्म या जो को आदमी बेसर वो शर्म या आपकी आपके गाना कोई जमीर न कौन समझे वो 11 करोड़ दे डीजे दिवसी वो और शर्म यार उसी ने तो 11,000 में शर्मा मर जैसी वो कि यार आप 11,000 दे रही आप कौम का वो साजम पर ऊपर ऐसी या कौम सामान सामान देसी दंड को दियोड़ाओ वो दंड दियोड़ाओ वो दंड दियोड़ाओ तो दंड दियोड़ा आदमी नीचे जागना ही पड़सी 11,000 तो क्या है 11,00,000 रुपए लगा जेब का वादे वास्ते, लेकिन शर्म बातों को यही है ना इंसान का वास्ते। सदर साहब कहेंगे 11,000 रुपया मान लो कौन रहा क्या इज्जत मान रहा क्या इज्जत रिया जी इज्जत हो जी मान रहा क्या इज्जत हो 1 रुपया की इज्जत हो 1,00,000,000 रुपए की जगह का मतलब कहीं है कि आदमी का 11,000 दंड मायने को नहीं है इंसान की इज्जत मायने है और डीजे बंद करावो एकदम लाजमी सुनी तो रसूल है क्योंकि आप 11,000 रुपया लोगों ने कौम ने समाज पर प्रेशर ना करता करता तरीके समुदाय बंद कर दे अल्लाह ने सुने देसी आग अखबार एक वास्ता थोड़ा प्रेशर दे रही साहब धीरे धीरे सब चीजें बंद कर दे आप अगली मीटिंग में और किसा मैं अगले में और किसा तो प्रस्ताव पास हो गयो और क्लियर आगे को सवाल सुन करो। देखो साहब आ लैंग्वेज लिखी जा रही है निकाह के टाइम मंडप या आसपास के सामियाने में
या शादी के घर, दुल्हन के घर, कहीं पर भी फटाका, कागज स्प्रे, परफ्यूम स्प्रे आदि छोड़ना बिल्कुल बंद है। शादी विवाह मायरा बान आदि में डीजे बैंड आदि बंद है। दूल्हा दुल्हन की एक साथ स्टेज बिठाकर नुमाइश करना बंद है। अब डीजे वाले पर तो 11,000 रुपए का प्रस्ताव आया है, लेकिन पहले जो स्प्रे वाले के ऊपर 5100 रुपए का आया था, तो दोनों को साथ में 11,000 करना है या एक को 5100 एक को 11,000? सब पर 11,000 को प्रस्ताव आयो सा। मार साहब, डीजे तो कहीं दोनों जगह बाज सके और वो स्प्रे तो एक ही जगह है, ये वास्ते वो दोनों चीज अलग अलग ही है और एक डंड और जुर्माना वो भी अलग अलग ही है। पहले 5100 रुपए प्रस्ताव पास हो गया, अभी फुहारा पर वो 5100 रुपए है और डीजे के ऊपर 11,000 रुपए है। अगला प्रस्ताव है समटूनी को। समटूनी का मायने आपने 21 बर्तन और 2100 रुपए है और मुकलावा की आपने सी की 1100 रुपए। आजकल सामान का पैसा दिया जा रहा है जाजम का ऊपर, मुकलावो खुल्लो समझ लियो कायदे, पहले जाजम के ऊपर मुकलावो को नहीं, तो बिका ऊपर पूरी कौम आपको राय रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो आपने शादी के मायने 2100 रुपया 21 बर्तन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मतलब एक शुमारी कौन कर सका। पचक आए हुए 1 किलो सोनो, 50 किलो चांदी, 50 लाख रुपया रोकड़ी, 1 4 व्हीलर, तो फिर भी को काय मतलब हो। या तो आप आई ने एक पाबंद करो, चाहे गरीब होए चाहे अमीर होए, ज़्यादा में ज़्यादा 1 तोड़ा सोनो देवे और 50 ग्राम या 100 ग्राम चांदी दे दे। ये मारी राय है, कोई आदमी बुरो मत मानो, मैं तो राय रखी हूँ और कौन माँ बाप है गलतियों तो माफ कर दियो। केबा को मतलब है कि आप एक चीज को प्रतिबंध लगा रही, तो आप 2100 बर्तन पर रुक गया साहब, बहुत बढ़िया काम कर दिया, लारों गाई हो रही है। आप 45 लाख की गाड़ी, 1 किलो सोनो, 5 लाख रोकड़ी, ये देवाना पा ये को काई रीजन है फिर आप कहा खटे चार रही आपा आजकल। केबा को मतलब वो है कि भी आप एक रोक टोक लगाओ या तो पाबंद करो, कोई चीज ने वो खुल्लो देवे तो बंद देवे तो एक फिक्स कर दो, अमीर गरीब का सही बराबर कर दो। मारी राय है था जो मुकलावा ने चोड़े दिखावा लग गया है, क्यों दिखावा लग गया कि 1-1 किलो तो सोनो, अतता रुपया अतिथि चांदी देवे, आज पढ़नी देर काल छोड़े, वो माँ ने दियोड़ा ने भाई अभी को काई कोम फैसलो करे काई करे, ये वास्ते मुकलावा ने छोड़े ले आए जाने, ये वास्ते छोड़े ले आए। तो एक मायने एक ही बात है कि दिया भाई इकबाल जी ने सुझाव दियो 2.5 तोड़ा सोनो यार 500 ग्राम चांदी मुकलावा के मायने खुले आम देवे, मारो सुझाव है। जो अभी पहले लिखा था निकाह के टाइम मंडप या आसपास के सामियाने या शादी के घर में या दुल्हन के घर में कहीं पर भी पटाखा, कागज स्प्रे, परफ्यूम स्प्रे आदि छोड़ना बिल्कुल बंद है। शादी विवाह मायरा बान आदि में डीजे बैंड नाचना बंद है। दूल्हा दुल्हन की एक साथ स्टेज पर बिठाकर नुमाइश करना बंद है। निकाह पर स्प्रे, कागज स्प्रे, फटाका आदि छोड़ने पर 5100 रुपये फंड में लिया जाएगा एवं डीजे नाचना फ्लोर डांस पर 11,000 रुपये कौम के फंड में लिया जाएगा। दूल्हा दुल्हन की एक साथ स्टेज पर नुमाइश पर 5100 रुपये कौम के फंड में लिया जाएगा। एक साथ की बात है ये, एक साथ की बात। दुल्हन अपने वहां औरतों के अंदर अपनी कुर्सी पे बैठी है, स्टेज पे बैठी है, दूल्हा इधर बैठा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सम टूने के ऊपर बातचीत चल रही कि आपने बड़ा बुजुर्ग का ई कुचावण खेड़ा का मायने 21 बर्तन 2100 रुपया लागू हुआ और सब ने पहली भी सुहावर आज भी सुहावर पांचों खेड़ा का अलावा और दूसरा खेड़ा है बेका मायने भी आपने वाह वाह हुआ कि बहुत बढ़िया नियम कायदा आएगा। लेकिन और जो सॉरी मुकलाओ जो खुल्लो चल रही है ने एक ऊपर लोगों की बहुत सारा की आवाज है और मुकलाओ खुल्लो रहना चाहिए या बंद होना चाहिए, ये बारे में सब आदमी या तो हाथ उड़ार भाई राय देवे क्या बंद रहना चाहिए या खुल्लो होना चाहिए। एक मिनट बात करो, ये मामला को ऊपर आदमी को आपकी राय दे, वो चाहे हाथ उठार तो हाथ उठार दे भाई, मुकलाओ और जाजम पर खुल्लो रहना चाहिए या बंद रहना चाहिए। सदर साहब इजाजत है।
अस्सलाम वालेकुम। देखो 21 बर्तन 2100 रुपयों को कानूनी कुचामन खेड़ा पास हो है, तो माँ को एक सुझाव है सा, भले खुल्लो राख दो इन, पर 5 तोला ज्यादा सोनो नहीं देनो और आधा किलो बत्ती चांदी नहीं। आगे कुचावन में 21 वालों और 2100 रुपया और 21 बर्तन वालों चल रहे, इंशाल्लाह मैंने उम्मीद है कौम के वो 5 तोड़ो सोनो और आधा किलो ज्यादा ज्यादा चांदी यूं कम देवे तो बा अगला की है, बाकी यूं बत्ती नहीं देवे तो कौम का इतने सबका निबड़ो है हमारा हिसाब हूँ। इस पर आप आपकी राय है, हमारी राय है सा। अस्सलाम वालेकुम अजीज भाई, आप बात कीजिए कि एकदम सही है, 5 तोड़ो सोनो आधा किलो चांदी यूं कम ही दे सके, ज्यादा नहीं दे सके, और जो वो सामान देवा ना वहाँ भी कोई रुपया देवे वो 1,00,000 रुपये ज्यादा नहीं दे सके। अब भाई पूछो है कि मुकला हो खुल्लो बन जो भाई दकाने बंद आके शौक है तो को बन जो देवे ताकि आधा बत्ती को माता आवे के खुल्लो दे वहाँ काई भाई खुल्लो मंजूर है, हाथ उठा करो। हाँ नहीं नहीं पूरा पूरा स्टाफ खुल्लो चावे खुल्लो है ने? हाँ अरे खुल्लो देनु बट्टे खुल्लो खड़ी के ऊपर देनु चाहे थे सगड़ा भैया की कौन बंद कर बाबा। अरे भाई बंद कर बाबा कत्ता पक्ष में हो। ओहो अच्छा ये वास्ते तो बातों करायो खुल्लो खुल्लो दे मार खुल्लो करा यार खुल्लो ही चाली खुली बात है। दादागिरी बताई होगी? नहीं नहीं दादागिरी बताई आगे बताया डो किया आगे दादागिरी बताया डो क्या होवे जो को दे नहीं हो जो को खाई दे होवे जो को दे और नहीं हो जो को खाई दे आगे दादागिरी बताया डा है ओ काई सुझाव है कि मैं तो देवा देवा और दादागिरी कौन चले नहीं कौन चले आ दादागिरी वापस लियो दादागिरी नहीं है सुझाव है मारो आ क्यों आगे क्यों ना है को हो जो का देवा नहीं हो जो का खाई दे। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों की आवाज आ रही है कि भाई बंद दे दियो। मैं एक बात पूछ पहुंचाऊं कि बंद दिया बात के माने जब ओपन को नहीं होगी कह दो को नहीं हुए जो तो बंद कर दो बंद दियो अगर ओपन नहीं हुए जो तो बिना बंद में दियो लेकिन ओपन बंद है बाद में भी लोगों ने ठा पड़ जाए कि इतना रुपये इतना तोड़ो आए आवे को नहीं आवे तो बीसू काय रीजन है कभी ने बंद में दियो यार वो तो काय मतलब है आग जबरदस्ती वाली बात मत करो यारो थे आ अगर ओपन में नहीं हुए जब तो चलो बंद दे दियो माना मंजूर है पर यार ओपन बड़ी चीज आए तो क्या कितो ले भाई पा तोड़ा दियो मारो बाप आ दिए मारो बाप आ दियो तो थ्रा पड़ गयो दुनिया नहीं तो यार जाजम आओ या नहीं आओ मतलब क्या निकले भी को या फिक्स कर दियो पांच तोड़ा या फिक्स कर दियो पांच तोड़ा जब वो चाहे दिखाओ या मत दिखाओ दुनिया ने डा पड़ जाए सदर साहब अजी सदर साहब सलाम अलैकुम आप अठे बैठे आज चीजा बंद ही करी चालू की कौन करिया चालू क्यों कौन करी यहां पर बंद अब आ के रहा है 2100 रुपया 2100 बर्तन बहुत बेहतरीन नियम कुचाण में हमारी बेणा हो ब्याह हुए भी का बाद में लागे जी को आज तक चल है चाल है बहुत बढ़िया नियम मुकलाओ नुमाइश है साहब 5 तोड़ो सोनो राजा किलो चांदी 1,00,000 रुपया दे दियो तो बात नुमाइश तो भी की होगी। दूसरी बात
माई ने देसी तो आते है नहीं, वो जवाई नहीं दे हाथ में, थारा बाप नहीं मत कीजिए रे, मत नत्ता दिया हूं। भाई बंदा ने जवाई बहन ने बिठार भी का जवाई बहन ने बिठार दी, 50 आदमी तो भाई जाजम पर भेड़ा होना है, 50 भी घर भेड़ा होना है, होना है दिखाओ तो ओसी। अब दूसरी बात, कोई करोड़पति अरबपति है, आपकी बेटी ने 1 किलो सोनो दे, खुद कमाए बहन बेटी का तैयारी क्यों दो? लोग अजी सुनो, लोग है ना बहन बेटिया का घर तक चला है चुपचाप में, लोग जवाई बहन ने दुकाना भी करावे, फ्लैट भी दिए ई पांचू केड़ा में, फ्लैट भी दिए कारा भी दिए घर भी चला है, सारी आटी ते बेण बेटा की दे रहे हो भाई, ते हिस्सो गाय दियो संपत्तिया का मायने वसीयता कताक तेली कर मिले नाम बेटिया के, सारी चीजा बंद करो, कोमनी बंद कर दियो, खानो ही बंद कर दियो, मगलाओ बंद कर दियो, ओ ही बंद कर दियो, अरे बेण बेटा ने दे रखा एहसान करोगे को एहसान कर रहे हो की तो दियो लाख, ए बेटा दो जोड़ा ले जा, कौन कह रही रिश्तो इका घर में दो जोड़ा ही यार की तो चालू रखो लाख, 2100 रुपया 21 बर्तन आगलो बैठ बेटी को बाप कमा रहे है, वो 10 तोला सोनो दे एक फ्लेट दे, आपकी बेटी ने दे रहे एहसान थोड़ी करे, 10 करोड़ की संपत्ति मारो बाप छोड़ियो, मैं मारी बहन ने दे रही हूँ की को नहीं रहा 1100 रुपया ले जा, क्यों भाई सारा तो अगबो कहने शाह बन रहे संपत्ति पर मैं बैठ गयो, बेण बेटा की आडी दे रहे हो, देख जी को बेण बेटा आडी दे दियो, क्यों भाई बेटी पराय थे तो धन बिन पराया कर दियो, धन कुछ घन राख लियो, हद होगी यार कोई चीज की, कह साहब जाजम का ने जाजम पर मत दियो, आपने ना माए ने कमरा में चलो बीघा जवाई भाई आई ब्याई सगाई, आपना जवाई भाई आई ब्याई सगाई, ए लो सा 21 लाख रुपया हो 1 किलो सोनो आ गाड़ी, क्यों भाई 12 को नशी की बात भाई नुमाइश है, बंद बेटी को मतलब आ हुआ कि पेटी बंद है, खाली पेटी है भी क्यों को ना बात हो बंद बेटी, और बाकी तो ते देशों ने बाके ने माफी जाओ पा दीजिए को बास ही बंद कर रहा हूं, हर चीज बंद करो तो कौम की जरूरत कोई नहीं बन रहे, वह सब चीजें बंद कर दी, आई चीज बंद कर दो बहन बेटा ने कहा देशो दो मन जवाब, बटेरा 18 साल की देता है करता है तो वेगो बावड़ा थोड़ी है, सारा समझदार आपा ही हो गया, आज वाली पीढ़ी तो होगी समझदार, 100 200 500 साल तेलिया का बटेरा एम घटे दिमाग है, बा कौम सबसे पाछ है जी की आप पाछला ने बुरो बतावे कैसा बे करता है ने बात चीज गलत ही रापा कर रहे हैं जी को सही है, बेण बेटा तक की खुल्लो रखो मुकलाओ खुल्लो और बिन खुल्लो ही रखो जी की हैसियत है वो दे रहे वो पाचों देशी बात खुली, अब अरे इकबाल जी किया भाई बा आपका सास रह गई सासू बुझी का ले है कैसा वो ले रही बा बात भर को नशी है बात तो सबकी आशी, और बे बेको नाम में भूलियो बे के काल नगर रिश्तों छूटे है, मैं कह दियो मैं तो 11 लाख दिया वो क्या हल है मन तो 10 जाहिर दिया, वो फैसलो कर दियो गवाह कौन हो गवाह कौन हो झूठी गवाह घनी लागे जाजमा पर लागेड़ी मैं क्यों थे गवाह ने भूल जाओ जाजम पर झूठी गवाह लागेड़ी मुकलो खुल्लो रखो इन प्रतिबंध लगाओ लाने तो बात कौन बैठेली कौन बैठेली, बेण बेटी को हक मत मारो सारा हक तो थे आपका आदमी का अगर आग रहे हो जवाया का अगर आग रहे हो बेण बेटी को हक दाब लियो इन्हें खुली रखो नी अकाल तक इन्हें बेण बेटी चालू रही वाली रात की मीटिंग हाल चाले ली मुगलावान खुल्लो रखो मारी राय तो आया काय भाई मैं गलत क्यों हूं तो बता दो हाजी हाजी ओ नियम लिखवा दू आलो लब्बैक वालेकुम मारे साहब वो जो नियम बन गया अब घना आई मीटिंग की खातर और कमेटी को चेंज कर लियो 4 बजबान आएगी है कल तक चला बचो जितना नेम लाना लाग चुका अब आ सारा लिखी जैसी अब थाने का सदर सेक्रेटरी कमेटी का वास्ते आदमी तैयार हो जो जिन्हें छोड़ना चाहिए ताकि रह जाओ छोड़ लीजिए सदर सेक्रेटरी चुनबा का वास्ते सब आपकी आराम हो बेहतरीन तरीका राय देवे और कोशिश लागता तो अगर खुद आदमी जी पद का वास्ते इलेक्शन लड़वा की तैयारी करे अगर वो खुद आपको नाम प्रस्ताव करे तो सबसे बेहतर है राय है मतलब और पहली पर राय करें बाद में शुरुआत कर जो पहली कोई को नाम नहीं देवे एक मिनट एक राय एक कमेटी गठित हो या बाद में करनी है या तालीम के बारे में और 20 का मैंने बात हुई कि हर ठीक है भाई तालीम के बारे में बातचीत आता था लोगों को जुजानिया हो गया कि पहली अब एक कमेटी ही बने ठीक है तालीमी फंड बनावा इंशाल्लाह और 2 मिनट बाद खत्म करो ज्यादा करो इन
ठीक है लोगों ने अगर बात आई नहीं आई बात नहीं एंड करा। ए थाकी जगह लिखावट करनी है ना बार जगह जो भी फाइनल हुआ है फाइनल करो और भी के बाद में सदर सेक्रेटरी का चुनाव करो और भी के बाद में जो भी था का प्रस्ताव है अगर आप पूरी कौम में न चूनर दे रही अगर मैं आपने ऊपर कोई प्रस्ताव थोपी तो कौम ने मानबा की भी तो ऑथोरिटी है ना यार है? तो सगड़ा बार सगड़ा ही पूरी जहाजरा जमात में चुनबो जरूरी है कि कोई भी काम जब आप मैंने 15 आदमी ने चुना पूरी कौम चुन रही है ना तो पूरी कौम चुनी इधर पे प्रस्ताव कौन मानोगी। अब टाइम पास मत करो और थाको जगह लिखनी है जगह भी नहीं लिख कर फाइनल कर। हाँ अब थाको सदर से और सेक्रेटरी को प्रस्ताव दो। अस्सलाम वालेकुम। देखो मुकलाबा जी मुकलाबा की जगह बात ही आप करी बे तो पहली भी खुला ही है जान बिया को भी एक बात लिखवा की कोई आवश्यकता ही को नहीं और एक भी पर एक डिस्कस विचार विमर्श करे भाई कौन आदमी काय के बचावे। अब टोटल नियम तो लिख चुके हैं अबार सर्वज पढ़े सुना जैसे लास्ट को काय नियम लिखे है और अभियान करो सदर और सेक्रेटरी और खजांची अभी दो जगह ज्वाइन सेक्रेटरी बाग होता चुनाव हमारा हिसाब तो सर्वसम्मति हो जाओ तो सब बढ़िया है। मेन बात आए कि सर्वसम्मति अगर हो जावे तो सब सो ही बढ़िया है बाकी ये चुनाव कराओ कोई मतलब वाली बात को नहीं है फालतू लोग का मान है ना इत्तेफाक की होली कॉन्ट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ रही पहले भी चुनाव हो चुका पहले भी दो दो चुनाव में देख चुका बम्बई में हो गया समझ लो कुचान हो गया फालतू के लोग ना इत्तेफाक की हुई है तो यार को अपन काम कौन करना सब बढ़िया विचार आपका रखा और आप सोचा के मीटिंग ने अपन इनशाला कामयाबी बनानी पूरी मीटिंग ने। हाँ साहब हाँ लास्ट का बता रहा हूँ। देखो मुकलावा के लिए वैसे तो जब खुला ही हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी लिख लिया है तो पढ़ के सुना देता हूँ। मुकलावा का लेन देन खुली जाजम पर दे सकते हैं जिसको बंद पेटी देना है वो दे देगा कोई दिक्कत नहीं। जब कोई खुला या बंद का मैटर ही नहीं है तो कोई बात नहीं है तो खुली जाजम पर दे सकते हैं कोई जाजम पर यह नहीं कहेगा कि जाजम पर क्यों लाए कोई नहीं पूछेगा। लेन देन की मकदार यानी मात्रा ये भी बेटी का हक समझ के ये छूट दिए है कि चाहे जितना दो ठीक है ये बात फाइनल लिखी हुई है। इसके बाद में शायद अभी कोई फिर मुद्दा नहीं है और सभी हजरात उतावले हैं कि कार्यकारिणी का गठन हो तो जैसा आप उचित समझते हैं लेकिन जहां तक पिछले 2-3 सालों में बड़े उबाल आए थे ये तो हमारे जो रस्म रिवाज है उनके ऊपर कानून बनाने की बात थी लेकिन जो उबाल था युवाओं में उस उबाल पे बातचीत नहीं हुई है वो बातचीत इसलिए आगे सौंप दी गई है कि कार्यकारिणी करेगी यानी जो हम बड़े बड़े मुद्दे लेके चल रहे थे उन मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है इसका आगे कार्यकारिणी करेगी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वो अच्छा करे। मेन मुद्दा वो जो जमीन खरीदने का या तामीली फंड तालीमी फंड एजुकेशन ये सब अभी बाद में होंगे। सलाम वालेकुम सर साहब। सलाम वालेकुम। आप बात आई है कि साहब मीटिंग का नियम सारा हो गया आपकी नियम कौन बनाना प्रतिबंध को नहीं कब चलो ठीक है के अब आ बात आई है एंड में का आपनो कप्तान कौन चुना टीम को आ बात हो रही है कि सर्वसम्मति चुनो। अब सर्वसम्मति दो तरीका हुए एक तो आपा सारा जाना बेटे यार हमेशा अगर हाथ ऊंचा करो कर दिया एक हुआ का मेंबर चुनाव करे एक हुआ का कौम चुनाव करे सर्वसम्मति तो तीन चीजें होशी ना एक ही नियम लागू होशी भी में या तो सब जना हाथ खड़िया कह रही या फिर जत्ता भी 152-55 जत्ता भी मेंबर है मौजी दानिशमंद लोग है कौम का बे चूनी या फिर कौम का चुनाव हो सी सर्वसम्मति को पहली वो है ना कन्वीनर जो मीटिंग रखी है या फिर जो पंच आपने डेबिट है भी चीज ने पहली फाइनल करो चुनाव को तरीको प्रक्रिया काई हो सी थे पहली बटो फाइनल करो कब भाई मेंबर चुनसी हाथ खड़ा कराओ एक मिनट हमारी बात सुनो भाई मैं नाम सजेस्ट कर दू बटी नाम सजेस्ट हो गया दो जना का या पांच जना का नाम आ गया मैं बार बता रही हूं अगर थे अठू कोई आदमी को नाम खड़े गए उन्होंने कहा ये आदमी सदर बना एक ही आदमी मना कौन करो भाई फलाना कौन बनावा मारी बात सुन जो मैं गाय के वो चाह रही हूं विरोध कोई कौन करो लो जाजम पर खुल्लो विरोध कोई कोई को कौन करे मैं बार नाम लीशू ने कहा भाई मोहम्मद हुसैन जी सदर बनाओ जी कोई मना कौन करे कौन बनाना फिर दूसरो नाम लीशी भी कोई नाम कौन तो एक प्रक्रिया है ना पंच बेटिया होते
दस मिनट को आधा घंटा को सुझाव लियो कि प्रक्रिया का ही अपनाओ, हाथ खड़ा कराओ, मेंबरा का चुनाव कराओ, जत्ता भी अपना और है बिना बुलार चुनाव कराओ, प्रक्रिया ने साफ सुथरी करो। पिछली बार भी आई है सदर चुनी गई और बाकी कान पास ली इंटरव्यू बुलाया, यान की कंट्रोवर्सी मत कर जो का भाई कोई का मन में भाटा हो यार मान तो पूछे ही होनी, या फिर वो तरीको सही को नहीं हो, हाथ खड़ा कर दिया कुचावण कुचावण का तो बेटिया जब कुचावण वाला को नाम है और हाथ खड़ा कर दिया, लाली वारा बात आई है कि मकराना का बेटिया जो हाथ खड़ा कर दिया ना अधिकार सदर बना दियो, आ बात आई है। देखो प्रक्रिया पारदर्शी करो क्योंकि वो है ना वो पूरी रात की मीटिंग की परीक्षा को वो जो मोड़ है ना वो ही है सदर को चुनावी, सदर को चुनाव ही मोड़ है, ये मोड़ में अगर आपा फेल हो गया तो मीटिंग फेल है। सबने राजी रखो, एक सदर को पद है, कप्तान वो चुनो जिको कौम में जाने, मारजान खान चुन लिया तो की फायदा ही कौन बोलो, जिको कौम में की जाने कोई बात और प्रक्रिया पारदर्शी करो, सुझाव सबका दियो, प्रक्रिया बताओ कि भाई ये प्रक्रिया के तहत ही चुनाव हो सी, ये प्रक्रिया के तहत ही मेंबर चुनी का हाथ खड़ा कराओ। अस्सलाम वालेकुम, एक बात मैं क्यों बचाऊ बड़ा बुजुर्गा ने कि कमेटी को चेंज हो है, सदर सेक्रेटरी खजांजी कोई भी पद कोई आदमी ने मिला है वो भराई मेहरबानी कमेटी को जो टाइम पीरियड है 3 साल 5 साल जो भी है बीके बीच में इस्तीफा दे नहीं जावे। भाई हमारा एक आवाज आई रियाज भाई की, भाई का पारदर्शिता निष्पक्षता इतना दिन हो गया कन्वीनर आपको काम करे लेकिन कोई को भी नाम हालते कोई सजेस्ट कौन करे ना नॉमिनेट करे कोई को नाम, और पारदर्शिता का मायना है कि आप हमारे तो उम्मीद आई है कि भाई सर समय तो एक आवाज का मायना है सब लोग कोई भी नाम आवे तो अगर देखो भाई बढ़िया लागे तो भी पर आप लब्बे कह दे, नहीं तो अगर नहीं हुए तो माकी कन्वीनर की सोचा ही कि भाई जो भी मेंबर आपका खेड़ा के लिया आज और जो पहले आया मारा साहब 160 के लगभग मेंबर अपना का आ चुका है खेड़ा वाइज, तो बाकी बीच का मायने वो चुनाव हुआ है बे 160 मेंबर ही सिर्फ चुनाव कर सी बाकी कौन कौन करे, क्योंकि पचास बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाओ वो, क्योंकि जगह खेड़ा का तो मेंबर दे चुका बे खेड़ा का मेंबर ही सदर सेक्रेटरी बाग जितना भी पद है 5 पद बाग को चुनाव कर सी, एक मायने सीधी सीधी सी गणित आई या तो सर्वसम्मति बनाओ नहीं अदरवाइज अगर अगर 5-10 नाम दूसरा और आ गया बस सदर के लिए एक आ गया 2 आ गया 3 आ गया तो चुनाव के लिए अपना कोई ऑप्शन बचल को नहीं बाद में, तो ये बात आई है कि भाई सर्वसम्मति में बनना चाहे जे कि चुनाव पर गया तो भाई तन में क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो सी, फालतू है 2 आदमी भागते पीछे मैंने बोर्ड दियो या मैंने बोर्ड दिया यानी कि बात तो हो सी भाई तो खड़े हो बोर्ड तो मांगी सी, तो बात भाई बात है भाई सर्वसम्मति को मायनू कर लो और आपका हिसाब कोई ने लागे बढ़िया कि वो आदमी काबिले तारीफ है अपनी कौम ने चला सके अपनी रहनुमाई कर सके बयान का आदमी को नाम सजेस्ट कर दो। अस्सलाम वालेकुम, देखो सर्वसहमति यहाँ ने कई आदमी हाथ उठावे कई कौन उठावे तो भी को अपने अंदाजो खोल लगा कोई चीज को और कोई नाराज भी कौन कर सका, तो जो 160 या 158 मेंबर है अगर भी के माने चुनाव हो जावे तो कोई बेजा बात को नहीं, क्योंकि मुंबई में जो चुनाव होया वो पूरी मुंबई का होया भी में बहुत ज्यादा प्रोसेसर हो गयो, 160 मेंबर का माने चुनाव लड़ाने तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, तो आपका दिल इच्छा शू वो वोटिंग कर सके ना कोई को दबाव आवे ना कोई जोर आवे ना और आवे, हमारी राय है कोई जबरदस्ती को नहीं। सलाम अलैकुम, देखो साहब जनाब अत्ता बार जो भी प्रस्ताव आया बेन मारा हिसाब सर्वसम्मतियों पास ही है बे बे कोई न चुनाव हुआ न कोई इलेक्शन हुआ हाथ खड़ा हुआ और बे प्रस्ताव पास हुआ, तो मारा तो सुझाव वही है कि बे चुनाव की नौबत मैं झेल चुके हैं फिलहाल जो को मैं झेल बो कौन सा हूँ वापिस मैं अटे सर्वसम्मतियों चुनाव कराबो चाहवा कि सर्वसम्मतियों अटे हाथ खड़ा हो रही हो जाए ने जहाँ आज तक आपने सदर चुनता है बिया ही चुनो तो वो सब बढ़िया है, ये चुनाव वाली नौबत तो आबदे ही मत 160 चुन ले 160 चुन ले जरे बाकी का क्या ना आया है जर गांव गांव पहली मेंबर चुने ले लेता और 160 कर लेता मांगी सकना की नींद खराब क्या करी, अटे 160 पूरा है भी को नहीं जगह ने मेंबर बनाया है ना बे भी को नहीं पूरा, तो ई वास्ते अटे पूरी जहाजरा जमात बैठी है अटे सर्वसम्मतियों हुई जो को भी सदर चुनी या सेक्रेटरी चुनी वो सर्वसम्मतियों चुने जाए
बाबूजी की बात बढ़िया है, कोशिश आई है कि जिया सर्वसम्मति हर चीज पे बने, इंशाल्लाह ई कमेटी का सदर सेक्रेटरी के वास्ते भी सर्वसम्मति बने और आप सब लोगों की एक राय है भाई दिवे अगर सर्वसम्मति नहीं बने तो बिक वारा का मायने कौन बेटी है पहली बिक वारा हम विचार कर ले, क्यों बिक बात का मायने आप लोग ऑप्शन कायम बची मैं कौन सा वहां के मेंबर बनावे 160 बनावे लेकिन कौम का अगर ऑप्शन है भी ऑप्शन के ऊपर पहले नजर डाल देवे। अस्सलाम वालेकुम, मारो के वो यहाँ ना पूरी कौम बैठी है, पूरी कौम बैठी है और जो हाथ उठाई भी की गिनती कर लियो ने पूछ लिया आप कि भाई कौन राजी है कौन राजी जी का बोर्ड ज्यादा अभी बढ़ा दियो कड़ तकलीफ है नहीं सुनो इनमें कोई तकलीफ को ना हो भाई जी ने भी आप बढ़ावा हाथ उबो कर लिया नहीं तो बिन पूछ लिया मतलब भी कौन और आपनी राय है इस्लाम जी जो है सदर बनाना चाहिए। हाजी खुदाई कितमतकार कमेटी बनया ने 25 साल हो गया सा हो गया और 20 साल तक कुचाण में चाली फिर परबसर में चाली फिर मकराना गई अब पाची कुचामण आई सदर सर्वसम्मति चुने गए मैं तो पारदर्शी तरीको पूछो तो सबकी आय हाजी था सबकी आय राय है कि सब जना अठारह ही चुन लिया राय आई है ठीक है। अब देखो सा बोरावड़ का आदमी सदर बन चुका मैं हमारी राय दे रही हूं मकराना का राय दे चुका पकाई सदर दे चुका सॉरी और अगच्छीपुरा का जमाल जी भी बन चुका कुचावण में 20 साल मीटिंग रही है अटको सदर कटी को नियो पहली बात तो आ और अतिया जमात है अति जमात है अति जमात 1527 है इनमें सिर्फ एक ही आदमी है जी को एक दूसरा रिश्ता जाने और मैं आज कुचामण खेड़ा का अहद कर रहा है कि यार यान को आदमी सदर बनना चाहे जी को कौम में जाने तो मैं नाम प्रस्तावित कर रहा हूं ताकि अगर इजाजत हुआ तो मना कर दीजो प्रस्तावित कर रहे है मारी बात सुनो मैं प्रस्तावित कर रही हूं मारी तरफ इस्लामुद्दीन जी जो है ने सदर को कैंडिडेट मैं मारी तरफ बना रही हूं कोई भाई ना आपत्ति हुआ तो बताओ कोई घर बैठा ना आपत्ति हुआ तो बताओ कोई बूढ़ा बढ़ेरा ना आपत्ति हो तो बताओ सदर साहब लब्बैक हेलो एक मिनट साहब एक मिनट अजी एक मिनट जब आया यहां तो बोल तो सही ना अजी कोई बात को जे एक मिनट बैठ तो जाओ आया यहां तो मैं ही तेलिया का ही तो हाँ हेलो सदर साहब इजाजत है सदर साहब इजाजत है रुको जब जिम्मेदारी अगर कोई आदमी दे रही है तो आदमी क्या बोल सी शांति बैठा रहे बदो इसराइल जी कह दिए भाई जोया जी को नाम नॉमिनेट कर दिया जोया जी को नाम नॉमिनेट कर दियो अब सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई जोया जी बनना चाहे जाए तो आपकी जिम्मेदारी भागे क्यों नहीं भागना चाहे जब पूरी बिरादरी कौम चाह रही है नहीं पूरी बिरादरी कौम चाह रही है कि आदमी बनना चाहे जाए पर जो आपकी जिम्मेदारी क्यों भागे जिम्मेदारी आप दे रहे हैं जिम्मेदारी कौम दे रही है पर जब भाग भाग की कोशिश क्यों नहीं हाथ हाँ अरे एक मिनट सुनो सुनो ये आपकी बात रख पूछ है लेकिन मैं यहाँ लागू कि भाई ये मना करवा विचार में मैं हमारी गलती एक्सेप्ट करो इस चीज ने एक मिनट अरे एक मिनट बैठो 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 शांत हूँ अब तू बैठो बाबा बैठो देखो मैं मारो जड़ तक अंधा जो है 15 साल को जब तू लेर बार 75 साल को हो गयो कौम मारी इतनी इज्जत रखी है कि शायद ही कोई की रखी है क्योंकि मैं पैदा इस ही कौम ने माँ बाप मानी हूँ मैं अगर गलती भी करे तो कौम मैंने ओड़ में कुन दियो और मारा जो हुक्म रखे है लेकिन मैं चाहूँ कि मुको दूसरा कुचाणो और ही घना आदमी है मैं थोड़ी हूँ पहले सुनो एक मिनट पूरी बात सुनो यार दे लोग सुनो क्यों को नहीं मैं खड़ी कौन बाबू दाना छोड़ पहले सुन लो दूसरी बात है कि खटे भी कोई किंतु हो जब कहीं करो छोटो सा नाम है कि कौन जोयो करो जोयो करो जोयो करो हर गांव की जवाबदारी हर गांव का मेंबर ही लेवल आ काला कोनी बोली गया इस सदर के टाइम वो काम हो रही है
कहीं आपका ईमान पर रहे और बिना निभावे तो मैं राइट हूँ, नहीं तो हमारी श्रद्धा को नहीं। सीधी बात है, बिल्कुल जो भी पदाधिकारी बने तेबी की जवाबदारी है, दान से साथ लेवा, बिल्कुल जवाबदारी पदाधिकारी बने दिखाएंगे। नहीं नहीं जी, गांव में कोई आदमी ढंगा ये चीजा तोड़े तो भी को वो गांव ही धनी है, मैं को नहीं हूँ। हाँ काल ने कोई कह दे सदर बैठे हो, सदर बैठे हो, मैं को नहीं बोली। हाँ दिया कौम प्रस्ताव करियो है दोया को, आदमी 160 मेंबर है, आके कौम अट बैठी है, कौम बैठी है तो थारो की समान कर तने मानियो है कौम के भाई कुछ कौम को कर सके, कुछ कौम को सुधार कर सके, कुछ कौम ने तू छोटा हूं बड़ा ने तू चारों कूट का, अब तू सब ने जाने सबकी बात। सदर साहब आपने कौम ही है कौन मानियो है, मारा साथी ने खड़ो कर दिया, मैं एक दूजा को नाम कौन जानू है, तो आ कौम की जवाबदारी कौम भुलावे थे कि संभालनी पड़ी, अद पीछे छोड़बो हुए लोगों ने आ सोच समझ काम करी। अरे मैं खड़ा हूं बेटे, हां थोड़ी सबरी को नहीं। सलाम अलैकुम। देखो साहब, सदर साहब को केबो होने जकी बात ने पहली तेर समझो, थे बात ने समझी को नहीं, थे यानी हा उल्ला कर रिया हो, हा उल्ला मत करो। बैंक को केबा को काई मतलब है का हर गांव मेंबर लिया है, हर गांव मेंबर लिया है, अब हर जगह तो ये पहुंचे को नहीं। अगर भी गांव का मायने कोई गलत काम हुए तो भी की जवाबदारी बे मेंबरा की है, बे मेंबरा की जवाबदारी है, बे मेंबर भी काम ने अंजाम नहीं देवे और बे आर रिपोर्ट करे सदर साहब कने, फैसलो सदर साहब सुनाई, बे मेंबर कौन सुनावे। लेकिन बे मेंबरा को राइट है कभी काम ने गलत बटन नहीं उबा देवे। अब बे मेंबर अगर भी काम ने बटन नहीं रोके और थोप देवे का भाई जोया जी आ सदर, तो बटे जोया जी कहीं करे, बटे जट जोया जी आई को नहीं। तो ई वास्ते को केबा को मतलब है, बात ने पहली समझ बो करो और पछे हाई उल्लड़ कर बो करो, पहली यानी हाई उल्लड़ मत कर बो करो। का अगला ने जबरदस्ती बना रिया हो, आगलो जबरदस्ती की बात कौन कह रही हो, आगलो आ कह रही है जका मेंबर बने बे हमारी साथ रेवे, ईमानू आपका हक ईमानू बेबी की साथ रेवे, तो ये सदर मड़बा ने राजी है नाराज को नहीं। मेंबर तो सब साथ ही रहे हैं कि बचे, अलग थोड़ी रहे हुए मेंबर। नहीं नहीं थे बात ना घुमारिया हो, बिल्कुल गलत बात नहीं, अगला मना कर रही है सदर के लिए, मना कर रही है, बिल्कुल गलत बात है ना कि। हेलो सदर साहब इजाजत है, एक मिनट एक मिनट, स्कूल है, स्कूल को हेडमास्टर मास्टर की जवाबदारी को लेवे की मना बताओ, मास्टर गलती करी तो गलती हेडमास्टर की है, स्कूल की जवाबदारी हेडमास्टर की है, तो मास्टर रोकी ना, तो हेडमास्टर मार साहब ने रोकी, जब भी बच्चा ने रोकी, नहीं नहीं हेडमास्टर साहब बच्चा मार साहब ने रोकी, जब बच्चा ने रोकी, हेडमास्टर जवाबदारी लेबा ने मना कर रही है, जब जवाबदारी जबरदस्ती दे बोचो। सुन जोशी साहब, जोया जी काय किया, जोया जी सिर्फ एक ही बात की कि जो 160 की टीम है ना बवलडा में, जंजीला में, चिताई में, पीपलाद में, हर जगह जोया जी को अनपुग है, कौम को नियम अट टूट रहे है, बटका मेंबर बैठे है तो बेकी जवाबदारी आ रही है कि अभी काम ने रोके है, और कति कोई मुद्दा आया तो जोया जी नकेला नहीं पटके, अब हकीमान की सागरे का वो काम बटक गलत हुई, जोया जी मैं गवाही देवा, जोया जी आ कह रहे है, जोया जी भी 160 मेंबरा ना किया का थे हमारी सागो हो और तो मत आगे सागा हूं, अगर वे मेंबर नट गया के यार हाल है, जोया जी करिया फैसलो, मान तो ठाई को नहीं बटकाई हो, जोया जी सिर्फ सहयोग मांग रहे हैं, 160 मेंबर जोया जी को सहयोग दे बन तैयार हो गए, आप मेंबरा ने पूछे जा रहे हैं, मेंबरा ने पूछे जा रहे हैं, 160 मेंबर जोया जी को साथ दे बन तैयार हो, हकीमानू बोलो बस लब्बे होगी, जोया जी सदर घोषित हो रहा है कोई, हाँ बोलो हाजी हाजी एक मिनट अजी एक मिनट हाजी हाजी सुनो हाजी पूरी बात सुन ले अरे हमारी बात सुन, पहले हमारी बात सुन लियो, पहले हमारी सुन लियो भाई, हमारी बात सुनो, देखो दूसरों नाम सजेस्ट कर दियो, छोड़ो अरे भाई लोगों नीचे बैठो, अब आर देखिए 160 मेंबर आऊ मीटिंग करवा लियो, 160 मेंबर आऊ वोट करवा लियो, बस भाई एक मिनट सदर साहब, सभी भाइयों से गुजारिश है नीचे बैठ जाए, हेलो
अब अरे शुरुआत में बात काय किया सर्वसहमति एक ये जो भाई पीछे खड़े हैं वो नीचे बैठ जाइए। वोटिंग की बात चल रही है भाई, सर्वसहमति चल रही है। नहीं 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 वोटिंग क्या नहीं जी, 160 मेंबर बनाए हो ते भरोसा हो जदी तो बनाए वाला भाई, आप आपका गांव का मेंबर दिया हो बे के ऊपर भरोसा तो रखो, का भरोसा को नहीं तो बे चुन ले और आग लो बे 160 मेंबर बे चुन ले। सभी भाइयों से गुजारिश है नीचे बैठ के बात कीजिए। अरे भाई लोगों को देखो, अगर कोई आदमी लाग रही है किंतु परंतु लाग रही है या कोई नहीं है लाग रही भाई, जबरदस्ती थोपा की कोशिश कर रही है तो कोई कन दूसरा नाम है तो वो सजेस्ट कर दियो, कोई गलत बात को नहीं कमाए इंडिया से। अरे पहले सुनो एक मिनट सुनो, अरे एक मिनट सुनो एक मिनट सुनो, अरे भाई कोई अगर अरे अरे चुनाव कौन है सर सम्मति बना रहे, अगर कोई बहाना लागे के जबरदस्ती थोप रही है एक मिनट जबरदस्ती थोप रही है तो दूसरा नाम सजेस्ट कर दियो, वहां पर कोई चीज नहीं आनी चाहिए कन्वीनर पर, कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। देखो बोरावड है ना, बोरावड 250-300 ग्राम को है खेड़ो। अरे बोरावड का आदमी है की बात सुनो पहली, या थोपो मत कोई बात नहीं, थोपो मत सुनो पे की और कोई दबाओ मत। अब एक सरी को थोड़ा आराम तसल्ली लो काम में बे, नहीं पूछो 300 आदमी 300 ग्राम का गांव ने पूछो को नहीं थे। सभी भाइयों से गुजारिश है नीचे बैठ जाइए। नहीं नहीं देखो नाम ले सके सबने अधिकार है। हाँ हेलो, देखो जो है जी थाने करीब करीब 28 साल हुई जद खुदाई खिदमतगार कमेटी बनी, जद खुदाई खिदमतगार कमेटी बनी जो है जी की न की पद पर जरूर रही है। आज भी आके हुए कि मेंबर मारी साथ दियो, क्यों आगे सदरा बात की कदाई एप्लीकेशन लागे और भी पर विचार विमर्श हुए, आज तक तो ओ तो आयो है और ओ ही चाली जटे भी गलती हुए एप्लीकेशन लागी भी पर विचार विमर्श करो, मेम्बरा पर थे क्यों थोपो कि मेम्बरा का मालिक तो थे बन गया, अब मेम्बरा पर थोपो थे कि मेम्बर रहो मेंबर क्यों बे, पहली एप्लीकेशन लागती भी यही लागी पाची और भी पर विचार विमर्श बैठ करी। सलाम वालेकुम, एक बार भी मोहसिन भाई की बात तो सुनो, वो काहे के वो चाहे वो दिल की कोई भी की बात है। अरे भाई लोगों नीचे बैठ जाओ रे, ओ सुल्तान नीचे बैठो। अरे सलाम वालेकुम, मैं जोया जी खुद ना देखो मैं खुद ना पूछ बोचाऊ देखो बोरावड़ की तरफ पूछ बोचाऊ, एक मिनट रुको एक मिनट मैं 20 सेकंड ले 20 सेकंड ले देखो जोया जी ने मैं जोया जी का खुद का मुंडा हूँ सुन बोचाऊ, अगर अगर खुद आपका मुंडा हूँ केवे के मैं खड़ो हो बोचाऊ सदर का मेंबर बन बोचाऊ सदर साहब बन बोचाऊ तो माँ की बोरावड़ की राय है बने कोई समर्थन है माँ को, मैं खुद एक मुंडा सुन बचावा क्योंकि एक खुद किया है कि भाई मन मत बनाओ एक मुंडा सुन बचावा रुको रे और एक है ना सुनो एक बात और हेलो हेलो एक मिनट अरे हाँ एक मिनट भाई 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 सुल्तान नीचे बैठे, अरे सुनो तो सही भाई लोग, एक खेड़ा को एक पद होना चाहिए, एक खेड़ा में दो पद नहीं हो वाला, आप बात मंजूर है तो मैंने जोया जी मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम, देखो जी हमारी बात सुनो, आज तक कोई सदर हुआ पप्पू जी सदर हुआ या पहले कोई भी हुआ बे आज तक आकी होगी भाई मैं सदर बनू बनाए तो आप ही मिले ना तो आप ही आज आज जो है ना आप ही मिला बना रहे जोया जी मना कौन करे है जोया जी को के बहुत तरीको अलग हो जोया जी हाल मना कौन करे तान लोग दिल पिन में जोया जी मना कौन करे जोया की हो तो मेरे साथ को हम दे तो मैं साथ हो जोया मना कौन करे आप बोलो तो जोया जी बोलो जोया जी मना कौन करे।
सभी भाइयों से गुजारिश है कि नीचे बैठ जाए, वीडियो शूटिंग के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। वीडियो शूटिंग चालू रखो भाई, बिन बंद मत हो बात। देखो मत आने पहली भी बात आ की कि मत तो 15 साल को जो दू कौम का जो कम रखे हूँ, और कौम मैंने आपको बेटो समझ मैं कुछ भी करी हूँ, कौम मैंने बढ़िया अच्छी तरीके रखे है, कौम पूरी अगर मैंने चाहे और कौम पूरा जगह लिखा जगह नियम निभावे तो मैं एकदम राइट हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है लब्बे। हाजी हाजी, अब देखो इस्लामुद्दीन जी जोया ने आपा सदर घोषित कर दिया, मंजूर है सबने? अच्छा माँ के कन्वीनर की तरफ मंजूर है सा? अब रियो सवाल, एक मिनट रुको, एक खेड़ा के मायने दो पद कुनियो वाला, एक खेड़ा को एक पद। हाँ अस्सलाम वालेकुम सारी हजरा जमात, सारी हजरा जमात ने जोया जी सदर वर्मा के लिए राजी होते, राजी होते लब्बे। आप कौम को शुक्र गुजार रहा जो एक ही लब्बे के ऊपर जोया जी ने सदर चुन लियो, अब मैं कौम को लाख लाख शुक्र गुजार हूँ। अब मारी एक सुझाव है सा, एक मिनट थोड़ी शांति राख लियो, मारो एक सुझाव है कि उप सदर तो आप चुन लियो, मैं उप सदर में उमर जी गोरी हाजी साहब को नाम दे रही हूँ, जो को देख लियो साहब जगह ने पसंद है, जो को देख लियो साहब। देखो साहब मारो सुझाव है कि आज तक परबसर का माय ने उप सदर को पद परबसर ने देना चाहिए, तो मारो सुझाव है कि परबसर का एक बंदा ने उप सदर बनाना चाहिए, और उप सदर अजीज बडगुजर ने मारी तरफ में घोषित करूं। हाँ सा उप सदर परबसर का माय जावे। अस्सलाम वालेकुम। देखो सर नायब सदर के लिए उमर जी को नाम के लिए ज्यादा हाथ खड़ा हो यार, ज्यादा लोगों की सहमति, उमर जी के लिए बोलो भाई, सब उमर जी के लिए तैयार है, ये बात तो गौर करो साहब मुश्ताक जी, ये बात तो महाराज साहब उमर जी ने बना देना चीज है भाई लोगों, उमर जी ने भाई मुश्ताक जी उमर जी के लिए सब तैयार है। मारी बात सुनो, कोई भेजा को नहीं मायने उमर जी ने पद दे वहां, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हजरत ब्राह्मी उमर जी ने नायब सदर को पद दे दिया, तस्वीर रखे सब हाजिर है लब्बे। हेलो हाजी ए सुल्तान हाजी, देखो मुश्ताक जी का दिल की है ना एक बात आई, नाम भी आयो अजीज जी बडगुजर को नाम सेक्रेटरी पद के लिए प्रस्तावित किया जा रहे है, बोलो सा। हाँ सा कोई भाई ने दूसरा को नाम देनो है तो बता दियो सा। हाजी देखो सेक्रेटरी पद के लिए माकी दिल्ली राय है बोरावड़ा की, लुकमान जी चांगल साहब बोरावड़ का। भाई सलाम वालेकुम सा, सेक्रेटरी पद के लिए मैं बुंदू जी बेलिम गच्चीपुरा को नाम को प्रस्तावित था, ये मैं सहमत हूँ, हाथ खड़ा करो सा। हाँ बुंदू जी बेलिम गच्चीपुरा। हेलो देखो जो भी सदर बने, जो भी नायब सदर बने, जो भी सेक्रेटरी बने, ये जखाते बार मुद्दा उठाया ने, एक कमेटी बनती या नहीं बनती, ये साध्या भी होती मायरा भी होता सह काम होता, यदि कौम के लिए कोई अच्छो काम कर परमानेंट काम कर नहीं गया तो सारी की सारी मेहनत बेकार है, सारी की सारी मिस यूज हुई है सारा को सारा वक्त।
रियली बात तो आ है कौम को सदर कुंड एक मिनट एक मिनट एक मिनट पूरी बात तो सुन लियो कौम के लिए यदि आबाला जो भी मीटिंग कार्यकारिणी चुनी हो सिर्फ दो साल के लिए काफी है दो साल के लिए अपनी कारगुजारी कर बताओ कि मैं वो काम करी वहां तीन साल के लिए ज्यादा हो जाए पीरियड जब तब्दीली आती रहे भाई एक मिनट पूरी बात के बाद पूरी बात अरे भाई थे बड़ा खेड़ा हो कोई बात को नहीं मैं अकेला हाँ तो मुश्किल को नहीं लेकिन हाँ तो कौम का बेटा ना बात कहना को तो हकता ना तो रियली बात है कि कौम के अगली मीटिंग यदि होनी है तो कौम की जगह के मायने होनी है कौम का सदर सेक्रेटरी जो भी कौम का मेंबर है बेहतर करना है कुन कनु कत्तो फंड लेनु है और तालीमी इदारा किया कायम करना है बच्चा ने तालीम कौम की आधी आबादी है कौम की खुवातीन बाकी बारे में कोई बात को नहीं हुई एक एक चीजा तो पहली की बार करेड़ी है हाँ जी हाँ जी आभार जो एक मिनट सदर साहब की किया है बेकेम आभार कौन बोलो कमेटी बनिया बाद बोलो सदर साहब की एक राय है सदर साहब जी का आभार बने व्यापार कमेटी बनिया बाद ही बोली बेके सेक्रेटरी को काम हुआ लिखा पड़ी को सुन जो बात सुन जो देखो बात गिराएगी सदर के वे तो गिराएगी के वे मारजान की बात उन गए पढ़े लिखे आदमी ने बनाओ एक्सपीरियंस होल्डर ने बनाओ देखो बात सारी सोचो अब अठा अपना तीन नाम आया है बुंदू जी पहली गचीपरा लुकमान जी और अजीज बड़गुजर एक मिनट तो अब ये है कि जो हाजरा जमात चाहे भाई होशी हाजरा जमात चाहे भाई होई लेकिन सब जना ई बात पर सोच विचार करो कि सदरु बड़ो पद हुआ कदी कदी सेक्रेटरी क्या जिम्मेदारी हो एप्लीकेशन बोई लेवे सदर को ले कदी आजा मैं सेक्रेटरी एडो मंठा है बा गड़ा में घंटी है ना बा बा नाराली बा सेक्रेटरी का गल है सदर का कम गल है और है तो ये है कि है ल पहली बोल मैं हमारी बात ही तू यार बजे सबने कर 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 यार बोल 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 सलाम अलैकुम मारी राय है कि भाई बुंदू जी ने वो मौको दियो जावे बेकन हो पहली बेन अभी मौको दियो जावे हर आदमी ने मौको मिलनो चाहिए हाँ जी सलाम अलैकुम मारे हिसाब हु जको नाम लुकमान जी को दियो सही है कि बे भागदौड़ भी करे और पढ़ी लिखे ही जको भी काम अभी हो भी है और देखे भी है कौम आतो देखो सा अब आ रहे 10-20 जना की राय आई है बुंदू जी बेलीम गच्छी पराड़ा सेक्रेटरी पद के लिए सबसे बेहतरीन ऋषि हाँ लो आगलन तो पूछा आगलन तो पूछा बच गया अस्सलाम वालेकुम मैं ऑलरेडी गचीपुरा पूरा मोहल्ला और मस्जिद को सात साल सदर हूँ मारे काम को बहुत बोझ बार है इस वास्ते मैं माफी चाहूँ देखो सा क्लियर कर दिया बहुत बढ़िया है अब दो नाम रही है तो अब ये है देखो हाँ भाई देखो बार पहले बात चाली कि भाई एक गांव को एक ही कैंडिडेट रेड़ो चाहे जाए लेकिन मारे साहब हुआ हो सकता है कुछ और का भी दो कैंडिडेट हो जाना चाहे जाए अगर सब की एक मिनट सुन ले बात सुनो मैं राय दे रहा हूँ मारी राय है एक मैं तो बात बता रही हूँ दो होना चाहे जाए लेकिन सबकी इच्छा के नहीं कुचाणु को एक आदमी रहना चाहे जाए अगर एक तो बात आई है लुकमान जी की बोरा भाई लुकमान जी बनना चाहे जाए तो लुकमान जी का फेवर कमाने कितना का आदमी हाथ खड़ा कर दियो लुकमान जी का फेवर कमाने तादाद में काफी आदमी हाथ खड़ा करे है तो भी मेरी विचार कर लियो बाबू जी बोलो देखो साहब जो जी पद के लायक है ना बिने देव ने तो थोड़ा बहुत काम भी करी और बिना तजुर्बा भी है बराबर है ए ये लायक है लुकमान जी और एने वो पद देव ने तो मारा हिसाब बहुत अच्छी बात है बराबर है दूसरी बात कही है ए सेक्रेटरी पहली रह चुका है बराबर है तो इन्हें जानकारी है और दूसरी बात कही है ए जो बनया है सदर और उप सदर और ए भी अगर सेक्रेटरी बने ने को एक तालमेल भी अच्छो है तो मारा हिसाब वो काम भी अच्छो हुई कौम में देखो खाली नाम के लिए है ना कौन बनाना है सिर्फ नाम के लिए कौन बनाना है काम करवाना है
और काम करवाबा की जवाबदारी अब ए की रेवेली अब क्यान काम करे जो अपना देखनो है। हाँ जी आजरा जमात तू इजाजत ली जा रही है सचिव सेक्रेटरी पद लुकमान जी चांगल बोरावड़ वाले। हाँ आजरा जमात की का इजाजत है सा लुकमान जी चांगल बोरावड़ वाले। अब देखो सा अस्सलाम वालेकुम। आज लुकमान जी ताल सबका पसंद है तय कर दिया लब्बैक। अब सुनो सा अब सुनो कह मागा मुश्ताक जी तीन बार नाम प्रस्तावित कर दिया पर बस सरा अपनो पेलो गेड़ो मैं हमेशा क्यों पर तम गेड़ो बाप जी की मजार बटी यार पेलो कागज बटी लिखी जे तो अब आ है के बड़ो केड़ो है खजांची को पद है खजांची अजीज अजीज बड़गुजर को नाम प्रोफेसर खेड़ा प्रस्तावित है। अजीज बड़गुजर को नाम प्रोफेसर खेड़ा प्रस्तावित है। लो सदर साहब करो अजी मंजूर है कर दिया लब्बे सुलट गया काम। आजी साहब माशाल्लाह इनके कौम आओ है सर्वसम्मति देखो बेटो देखो सा देखो आ मन लागे 25 साल में पहली बार यान का सदर सेक्रेटरी चुनी जाए जो कोई नाराज को नोरियो हटे बैठे हुए। हाँ बड़ू बाकी है बड़ू बाकी है मंठा है बड़ू को नाम है। देखो सा आया है कि पांच पद जो बड़ा है का बात कमाए ने कहा भाई परबसर हो गयो बोरावड़ हो गयो यार मकरानो बाकी रह गयो यार। हाँ मकरानो हाँ सॉरी 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 परबसर मकरानो बोरावड़ हो गयो बड़ू रह गयो सा। तो अब आजरा जमात जो पंच है सदर साहब की यह इजाजत है क्या बड़ू है ना आखिरी मेंबर ज्वाइंट सेक्रेटरी लियो जाए तो बराए मेहरबानी कोई भी भाई अगर नाम देवन है वो बड़ू का आदमी को दे तो बढ़िया रेसी क्योंकि देखो अभी का माए ना कौन है कह आ रहे हैं ना पारदर्शिता कौन रहा की अपना अपना लोग ले लिया देखो आपका अपान माकि चलवा दी गोनी और गोनी लियो सा। अस्सलाम वालेकुम पूरी कमेटी बड़ू ने तो मान दियो है कि बटा को एक पद हुआ लेकिन माँ के बड़ू के माए ने बहुत जना बॉम्बे रेबा लागा इ खातर आप दियो पद को मान बहुत बढ़िया है आप माँ के अलावा कोई दूसरा ना बनाबो चाहो तो बेहतर है। बाबू जी कटाए एक मिनट दो मिनट रुक जा दो मिनट सभी भाइयों से गुजारिश है नीचे बैठ जाइए। एक बात हो रही है मैं कह दियो देखो एक बात इसराइल जी किया बहुत बढ़िया बात की है कोई खेड़ा का मायने एक घर भी है दो घर भी आपा बड़ा खेड़ा तो देखो मान दे रहा बहुत अच्छी बात है। एक एरिया का भाई बम्बई वाला बम्बई एरिया बड़ू वाला तोशिणा में भी आन को आदमी हो सके खूनखाना में भी हो सके देखो मेरी बात सुनो बुरा मत मान जो हरनावा में भी हो सके विद्यात में भी हो सके आज थोड़ी है कि यार आपा कुछ मरिया तो आपने माए नहीं समझदार है गाँव में तो ये है कि इसराइल जी की बात है जो बड़ू वाला की है ना कि यार कोई यान का गाँव का आदमी चुनो छोटो गांव है तो आप ही लागे यार बड़ा बड़ा खेड़ा की कौन चल रहा पांचों खेड़ा में मैं भी बराबर का हकदार हूं और जो फैसलो जो है जी करा कुचामण का सो करा की साथ मैं अकेलो करू ना तो ही कौम ने मंजूर हुआ है। देखो सब ने बराबरी को मौको दियो जब कौम आगे बैठी दो घर का आदमी नाम भी को प्रस्तावित करो जी को आदमी है ना कौम ने टाइम देस कर छोटा खेड़ा ने दियो ने छोटा खेड़ा मतलब मैं कम खेड़ा है छोटो मत मान जो अपने आप ने कम कर आजी बाबूजी तवर खुणखुणाला को नाम आयो एक तो जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आजी और कोई नाम देवो चाहो और कोई नाम देवो चाहो और कोई नाम देवो चाहो फारूक जी बूढ़ सुड़ा को नाम आ रहे है माकड़ा प्याय जी बाबू जी गेलासराड़ा को नाम आ रहे है। अब यहां एक बात बताऊं छोटी सी बात है माकड़ा जो ब्याय जी है ना भाई राजपूता गांव में अकेलो घर है
और एक वाली साहब सरपंच रियड़ा राजपूता अकेला गांव में, अकेला मुसलमान का। तो मारी नजर में यान का गांव का आदमी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाओ, जहां आपने यहां भी है कि यार एक घर ने भी एक लेर चार रहे हजार घर, एक घर ने भी हजार घर लेर चार रहे है, और भी कौम को मान भी बैठी एना भी लागी कि यार कौम मान माने। मैं मीटिंग में आबा जी आन का कोनी, मैं की करवा जी जा। अभी बहुत बड़ी बात है कि एक घर का आदमी ने आप ज्वाइंट खजानजी बनावा। बाबू जी तवर ने ले लेने यार, बाबू जी तवर आजी प्रस्ताव रख क्या बाबू जी ते राजी हो। हेलो बड़ा मेहरबानी, आप सब नीचे बैठ जाएं, जो पीछे खड़े हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ जी बिरादरी जी ने मना भाई, बात देखो आई है बिरादरी को मान सम्मान इन दे रहे हैं, बिरादरी दे रहे हैं बाबूजी तवर ने। ये जो बड़े आदमी है अब्दुल्ला सुल्तान जी, आप नीचे बैठ जाए, आपकी वजह से दिक्कत आ रही है। बाबूजी गेला सर, दोनों बाबूजी है, मतलब सेक्रेटरी तो बाबूजी मैं नहीं कोई चाहिए बना। हाँ फारूक जी बूढ़ सुहाड़ा कटे कट गया। हाँ थे भी राजी हो बनाओ तो। हाँ जी देखो तीनों ही राजी है सा। हैं अजी तो समझा हुई नहीं कौन की सारा की। आजी तीन नाम आए, तीनों भाई राजी है, तीनों नहीं कौन बना पोचावे अब काय करनो हैं। आजी आजी नहीं नहीं राय पंच बात कर रहे हैं, पंच पटेल बात कर रहे हैं, काय करनो चाहे जी। अजी एक मिनट पे राय की तो ग्राफ दिया जी सदर सर सुनो देखो काम राय ले काम कर रहा भाई। तीन का नाम है, तीनों राजी है, कौन भी तीनों और राजी है। तो पूछ लेगा वोट वाला काय कर रहा है। अरे भाई तीन मेंबर तीन गांव का एक साथ हो गया तो मारी काय राय के वोट वाला कर दो ठीक रे सी। हाँ बोलू मैं कर दो। हाँ सलीम जी गोरी तैयार है, सलीम जी गोरी अजी सलीम जी पूछ ले आगला ने। हाँ सलीम जी गोरी राजी कोनी पूछ तो लाग लियो माइक लियो सभी हजरात से गुजारिश है नीचे बैठ जाइए। हेलो सभी निमरान से गुजारिश है, मेरा ही मेहरबानी आप सब नीचे बैठ जाए। खाना मांगो। अरे काम अपनी बोर चोर से चल रहा है। सलीम जी गोरी बड़ुवाड़ा के लिए सारा हाजरा जमा तैयार रखिए, तैयार रखिए। लबेक लबेक अस्सलाम वालेकुम भाई। एक नहीं एक पद चुन दो, पद में कोई मन दीजो जरूर दीजो, कोई जरूरी काम है। एक मिनट काई क्यों। हेलो हेलो ओ जोय साहब एक मायने ऑप्शन है कि तीनों आदमी ज्वाइंट सेक्रेटरी बन सके। तीन जने बनो एने पास पहले पूछे के ने पहली ए अगला राजी हो रही है तीन जने बनाओ ज्वाइंट सेक्रेटरी तीन ऑप्शन। सदर साहब चाहे तो तीन ने बना सके ज्वाइंट सेक्रेटरी ए तीन ने बना सके बिल्कुल बना सके। अजी एक प्रस्ताव अजी अजी अरे एक मिनट सुनो सुनो अजी भाई साहब सुनो बात आई है। ए सदर साहब एक बात की है बहुत बढ़िया राय दी है। देखो तीन आदमी आ कह रहे हैं मैं कौम की खिदमत कर वो चाहे तीन ने कौम बना वो चाहे तो कहे तीन ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन बन सकेगे अजी कौन बन सकेगे। एक मिनट है कोई भी कमेटी के वास्ते पांच पदाधिकारी है बे ही नियुक्त हो जाकर पांच फिर हो जाकर। अब एक मिनट बोलो नहीं तो बैठ जाओ एक मिनट।
अब अगर तीन आदमी या चार आदमी नाम आए जी, एक बाबूजी को आ गयो ओटी खून कड़ाऊ, एक सलीम जी गोरी को आ गयो, एक बाबूजी गेलासर को आ गयो, एक फारूक जी गोरी बोर्ड को आ गयो। अब एक बात का मायने एक नाम और आयो है, वो आयो है बकरियों के। बकरी तो बड़ो खेड़ा बटू मेम्बर कर लिया, वो कर लिया। अगर चाहो तो बकरी हूँ, तो बकरी हूँ छोटू जी चांदेड़ को नाम आ रही है। नहीं नहीं मैं कौन दे रही हूँ। अरे साहब और सलीम जी गोरी अगर तैयार है बड़ुवाड़ा, तो अभी नाम पर सबकी सहमति बन चुकी है, तो मेरे को नाम प्रस्ताव है लिख दिया जावे। एक मिनट देखो सुनो मेरी बात, एक मिनट भाई सदर साहब के पास में एक देखो जी, आदमी का वोट ज्यादा ना वो बनना चाहे, बाबूजी का वोट ज्यादा है तो बाबूजी ने बनाना चाहे। सभी भाइयों से गुजारिश है, मेरी बात सुनो, बैठ जाइए। एक मिनट लड़ाई खत्म हो जाए, बार सुनो, एक मिनट सुनो सदर साहब के पास में इतना पावर है कि जॉइंट सेक्रेटरी चार बना सके, इस चीज को नॉलेज एक बार ले लो। सदर साहब ने चार जॉइंट सेक्रेटरी बना सके और चार ही उप सदर बना सके, इस चीज को आप नॉलेज लो फिर ताकि समझ। सभी भाइयों से गुजारिश है, एक मिनट साइलेंट, एक एक आदमी का नाम ले वे जी का ज्यादा हसी पे बन गया सीना साहब। हाजी बैठो। अबे भाइयों नीचे बैठिए। हाजी सुनो मारी बात, अब भाई ये सदर साहब आ गिर है कि जी का ज्यादा हाथ खड़े हो तो हाथ कौन गिनी। पहले आने नीचे बैठो। हाँ चलो ठीक है हाजी। हाँ लो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। देखो सलीम है छोटो टाबर और माँ की तरफ सलीम है टाबर छोटो और माँ की तरफ, अगर बाबूजी खून को नाना मनावे या फारूक जी ने मनावे मानो पूरा समर्थन है, कोई नहीं मना दियो। माँ का सलीम टाबर है, एक जगह बड़ा बुजुर्ग ने मनावे जी चौका लगा कमेटी यान की चुनो जगह आगे चल रहे, एक टाबर है मैं एक सहमति है माँ की। मारी तरफ मैं समर्थन में हूँ, फारूक ने मना दी बूट वाला ठीक है भाई जी। आज भी कैंडिडेट अब बढ़ाया, लोग नाम नॉमिनेट करे आगो बाबूजी को, एक खुद कह दे फारूक जी बूट वाला बढ़ा दो तो एक समर्थन में कितना गांध खड़ा हुआ बता दो भाई। तो फारूक जी बूट से वाला एक मायने कंफर्म हो गया जॉइंट सेक्रेटरी का मायने फारूक जी बूट से वाला ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, पूरी कमेटी चुनी गई है। अबे ये कमेटी ने देकर वो आज कन्वीनर लोग लाइव लगाए हुए है। अरे सुन लो भाई, हेलो कमेटी आज कन्वीनर बनाई है और वो लाइव वीडियो लगाए हुए है, तो इन हमारा ससुर जी बम्बे में वीडियो देख रही है तो बेन अति खुशी हुई है कि आज आ कौम बिना कोई उज्जत बाजी के महबूब जी गोरी बुड़स वाला, तो बेन अति खुशी हुई है कि बे कौम में छः मारुति इक्को गाड़ियाँ ऑक्सीजन के साथ एम्बुलेंस के टाइप देबोचा रही है, एक कुचामन एक बुड़सू एक बोरावड़ एक डेगाना एक परबसर, छः मारुति को गाड़ियाँ देबोचा रही है, तो कौम ने सहमति है तो एक मिनट बैठो। हाँ जी आ हुए कौम सुधार ने इन्हें के अम्मा बता, देखो सा आ हुए कौम और बोलो। और अगर कोई ने की है बात करनी है तो बेका नंबर दे दियो बात कर लियो। देखो अब मैं बाचो लियो माइक, माफी चाहू तीन बार ले लियो। एक मीटिंग बिना हाउ लड़के हुई पहली बार हुई, कौन हुई सा कुचामन खेड़ा में मीटिंग हुई है बिना हाउ लड़के सदर चुकी गया सेक्रेटरी चुनी गया और पहली बार छह गाड़िया एक गाड़ी का चंदा कौन है छह गाड़ियां कितनी बड़ी बात है। इनके शुरुआत अल्लाह भी की साथ है जी की कौम खुद की साथ है।
एक दूसरा को साथ दिया जाए। देखो पहली बार में भिड़ता बहुत ही छक्को ठोक दियो, छह गैटे दिए। आज जो चालू हुए ना काम, इंशाल्लाह तीन साल बाद उम्मीद है कि आप सब बाबा इधर अली की दरगाह का मायने ने मीटिंग कौन करोला तेलिया का जमात खाना में अगली मीटिंग होली सा, और तेलिया का जमात खाना का मायने इंशाल्लाह हर काम वालो जो हेड ऑफिस वालो इंशाल्लाह बैठे तेलिया को जमात खानो बन लो, और भी कोई गांव का नाम आशी बट बन जाओ लो। लेकिन अब आपा ऐत कर उठला कि अब की जो भी बोलो ने मीटिंग बात तेलिया का जमात का नाम होली, अब मां था कि सबकी तरफ जोया जी को ना इस्तकबाल कर वो चाहूंगे बे दो बात आपना ने केवे। अब आपना मालिक भी ये सा आपने कमेटी को आज तक रजिस्ट्रेशन कोने हो चुके हो, दो बार तीन बार जितनी भी कमेटी बनी और पहली भी दो बार तीन बार इस चीज की बराबर बातचीत चाली के रजिस्ट्रेशन करवाना है। अबार भी जगह अकाउंट में पैसा जगह जमा है ने आपना नहीं मिल सके जब तक आपने एक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, तो हमारी नई कमेटी को हाथ जोड़ विनती है कि सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन करवावे। दूसरी बात एक और, आरबीआई का ये नियम है कोई भी संस्था का पैसा 10 साल तक है ना, 10 साल तक अगर कोई कमेटी का पैसा अगर बैंक में रह जाता है तो वो खत्म हो जाता है 10 साल बाद में क्या, तो इसलिए इसके रजिस्ट्रेशन की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। और मेरे से जो भी आप अगर इस रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई हेल्प लेना चाहो तो मैं तैयार हूँ बिल्कुल। अब बोलो साहब, सदर साहब बोलो, बोलो साहब। देखो सबसे पहले तो मैं कौम को बहुत बड़ा जो है शुक्र गुजार हूँ कि कौम मैंने इतनी बड़ी जगह दी है, हालांकि मैं लायक को नहीं हो लेकिन थे मैंने दे दिया जगह, तो इंशाल्लाह ताला मैं हमारी ईमानदारी छू बरकरार चाल छू इसके ऊपर। दूसरी बात की अब आने की गौर और फिक्र की बात है, ये मामला पर ही मां के बाद बिगड़ी पहली अपना 3-3.5 लाख रुपया तो पड़े है बे बैंक के मां ने जटे तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है बे कुल मिल है, तो एक तो भी ना रजिस्ट्रेशन करावा हर हालत में रजिस्टर कराया वही काम हो लो। दूसरी बात यह है कि सम्मेलन की अगर कोई भी गाँव का जम जावे तो मैं तन मन धन जानू भी की साथ में हाँ वो भी तय कर सको। तीसरी बात है कि जिसकी बात बार की कि इंशाल्लाह ताला अपना अपना समाज का ही कोई जगह में बैठ है आपकी मीटिंग कर अल्लाह जिंदगी राख दी तो ये मैं सब आदमी ना अपने साथ रहनु है ठीक है ना, और जिसकी बात ना करी अभी पर सब ना अपने ईमानदारी छू अमल करनु है। अब भाई जो भी 5 आदमियों का जो भी चुनाव हो चुके हैं अब सबका नाम आ चुका है और सरवर जी आपका नाम भी लिख चुके हैं, तो 5 आदमियों को इस्तकबाल स्टेज पर सबको बोलो बार। देखो साहब पहले तो मैं पूरा नाम लिखे बाद नाम सुना देती हूँ, और विशेष तौर से आग्रह है गुजारिश है कि आइंदा आपको कार्यकारिणी को कार्यकाल पूरा हुए तो नई कार्यकारिणी को गठन हुआ के पहली थको टाइम पूरा जाए भी मैं 3 महीना लगे 4 महीना लगे महीनों लगे तो आप कार्यकारिणी मतलब कार्यकारी पदाधिकारी रहोला कार्यवाहक पदाधिकारी कार्यवाहक सदर सेक्रेटरी खजांची सब रहेंगे, आप बीच में मझधार में नहीं छोड़ोगे ठीक है। पूरी कार्यकारिणी नहीं बढ़ने के बाद यही जाजम पर हिसाब उनको संभालोगे सौंपोगे उनको पूरा चार्ज सौंपोगे। दूसरी बात ये आ रही थी कि कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है तो 1-4-5 लोगों की जो बुजुर्ग लोग है दानिश्ता लोग है सप्रस्त कमेटी का गठन होना चाहिए तो वो भी होना चाहिए कायदे से, एक चुनाव आयोग या जो सरपरस्त कमेटी होती है वो होनी चाहिए उसका बुजुर्ग लोग होने चाहिए वो भी गठन होना चाहिए। तीसरी बात क्या कह रहा था मैं, तो ये दो बातें हैं इन दो बातों पे गौर फिक्र करें, और हाँ तीसरी बात ये कह रहा था कि अभी कार्यकारिणी का गठन और होना है तो उसके अंदर भी नाम कैसे लोगे आप अपना डिस्कस कर लेवे। बात की प्रक्रिया है जो भी कार्य करने की प्रक्रिया है वो बात की प्रक्रिया अब आपा सारा जितना बिरादरी का और जो आपा अस्सलाम वालेकुम भाई बे गाड़िया जनवरी लेर इत तक का टाइम में कद भी आ जा वाली और बे 3840 लाख रुपए की गाड़िया है और बे एक मकरानो नाम भूल गयो मैं यानी 6 गाड़िया में मकरानो भी एक है एक बात और कहना चाह रहा हूँ आज हाजरा जमात के सामने इन 5-6 पदाधिकारियों का इस्तकबाल हो रहा है ये इस्तकबाल सबसे बड़ा है
फिर बाद में वो सापा माड़ा वाली जगह जगह रस्म रिवाज चलाना थोड़ा ठीक नहीं रहता है। तो एक बार यहाँ पूरी आजरा जमात के सामने इस्तकबाल हो रहा है, ये बहुत बड़ा इस्तकबाल है, इसलिए अस्सलाम वालेकुम। आपका इस्तकबाल खत्म, सदर साहब जो है जी जिंदाबाद, मीटिंग पे साइन करके जाना सबको जी जिंदाबाद, साइन पर इस्तकबाल होगा, साइन करो। सभी भाइयों से गुजारिश की जाती है निकल गया नीचे बैठे। तमाम हाजरा जमात जो भी आई हुई है, जो भी आदमी मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर जाए, उससे पहले मिनट बुक के रजिस्टर में साइन करके जावे। अब बोले दो अकेले। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही खुशी की बात है, पांचवी खेड़ा छठी कुचामन और दूसरे भी आए हुए हैं मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन काम आप लोगों ने किया है और बहुत ही एकता के साथ किया है। तो मैं अजमेरे की तरफ से जो भी आज चुने गए पांचों पदाधिकारी उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें याद किया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। और कन्वीनर साहब ने जो मेहनत करके ये काम को अंजाम दिया, अल्लाह इनकी मेहनत को कामयाबी दे, आगे भी दे, शुक्रिया, खुदा हाफिज। जो भी मेम्बरान पांचों मेम्बरान जो भी सर्व समिति चुन के आए सब अपने अपने साइन करें, जो भी पांचों मेम्बरान आए हैं वो सभी रजिस्टर में अपने अपने साइन करें। और सातों कन्वीनर की देख रेख भी ये मीटिंग आई हुई, सातों कन्वीनर भी इस रजिस्टर में साइन करके जाएंगे और पदाधिकारी भी साइन करेंगे, पदाधिकारी साइन हो रहे हैं और सातों कन्वीनर ने जो इस मीटिंग को आयोजित किया वो लोग भी उनसे साइन करेंगे। और जी ये लुकमान साहब, सेक्रेटरी साहब लुकमान जी, चल मोबाइल कर दो ना, एक फारूक जी भी आ जाए और ये जो भी पदाधिकारी बने हो सब आ जाए स्टेज पर एक बार, जो भी पदाधिकारी अभी अभी बने हैं वो सभी स्टेज पर आ जाए। नाम लिख सकते कन्वीनर, कन्वीनर कर दीजिए फिर पांच पदाधिकारी करो। अरे सुनो सुनो, एक इस्लाम जी, एक उमर जी हो गए, एक ये लुकमान जी हो गए, एक ये कौन है, अरे फारूक जी है बूट्स वाला, फारूक जी कर दो। देखो एक साइन हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, फारूक जी ने कर दिया, उमर जी ने कर दिया, अजीज भी बड़गुजर ने कर दिया ना, 500 मेंबर है स्टेज पर आ जाए, एक मेंबर कौन सा बाकी रह गया, कर दिया सब आ गया, आ गए कि आप फारूक जी आ गए ना, नई खुदाई खिदमतगार कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को और कौम के दानिशमंद लोगों को एक बार तहे दिल से मुबारकबाद। जनाब आज के जो सदर हैं जनाब इस्लामुद्दीन जी जोया, वल्द गुलाम सरवर जी जोया, आपको मुबारकबाद पेश कर रही है पूरी कौम। और नायब सदर है जनाब उमर जी गोरी, वल्द सफी जी गोरी, आपको भी पूरी हाजरा जमात मुबारकबाद पेश कर रही है। अब्दुल अजीज जी बड़गुजर, वल्द शकरुद्दीन जी बड़गुजर परबसर वाले, आपको भी ये कौम मुबारकबाद पेश कर रही है। नायब सदर ये सेक्रेटरी खजानची साहब, सेक्रेटरी एक मिनट सेक्रेटरी लुकमान जी चांगल, एक मिनट और सब अपने अपने नाम के आगे मोबाइल नंबर लिख देना प्लीज, एक मिनट जितने भी अभी कार्य करने के जो भी बने हैं, सेक्रेटरी लुकमान जी चांगल, वल्द हाजी मरहूम उस्मान जी चांगल, आपको भी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और सेक्रेटरी नायब सेक्रेटरी फारूक जी गोरी, वल्द गिसा जी गोरी बूढ़सू वाले, और तमाम कन्वीनर जिन्होंने बेशुमार मेहनत करके इस काम को अंजाम दिया, आपको भी मुबारकबाद। तमाम सातों कन्वीनर्स को और पूरी हाजरा जमात जिन्होंने अपना कीमती वक्त कीमती टाइम देकर इस मजलिस को कामयाब बनाया और अच्छे अच्छे सुझाव दिए, इसके लिए आपको भी मुबारकबाद।